हे गाइस व्हाट्सअप। और आज हम स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स। ओके, तो 23 नवंबर में से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो सारी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। स्टार्ट करने से पहले आज हम एक इम्पॉर्टेंट दिन की बात कर लेते हैं। आज है नेशनल केशव डे, राष्ट्रीय काजू दिवस। ओके, तो आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय काजू दिवस 23 नवंबर को। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स। और हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स, और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मोहल्ला को ताकि आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आपको नीचे जाना है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा। उसमें आपको इस लेक्चर की पीडीएफ, पुराने जितने लेक्चर्स हुए हैं और आगे भविष्य में आने वाले जितने लेक्चर्स हैं सारी की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। साथ साथ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ साथ आईबीपीएस एएफओ आ रहा है एग्ज़ाम। ओके, तो आईबीपीएस एएफओ की भी जितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं, एग्रीकल्चर और मैथ्स रीडिंग इंग्लिश की पीडीएफ, वो आपको साथ साथ में वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चल स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारी कि जो भारत का दूतावास है नेपाल में, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ, इन दोनों ने मिलके एक एग्जीबिशन लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? तो भक्तपुर ग्राउंड में। भक्तपुर ग्राउंड कहाँ पर है? काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी? नेपाल की। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, जो एग्जीबिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब कि कॉनमैक, कॉनमैक 2018। ओके, अच्छा, भारत और नेपाल की बात है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल की सीमा में जो फोर्स लगती है भारत की, उसका नाम क्या है? ठीक है, बीएसएफ ये सब लगती है ना, बीएसएफ लगती है, उसके बाद आप ले लो तो इंडो टिबेटन लगती है। तो आपको बताना कि भारत और नेपाल के बॉर्डर में कौन सी फोर्स लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। माउंटेन मेडिसिन पे एक विश्व कांग्रेस बिठाई गई, 12वां एडिशन था उसका, विश्व कांग्रेस का। कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू अगेन नेपाल की बात आई। ठीक है, अच्छा, ये 4 दिन की कांग्रेस है। ठीक, 4 दिन की मीटिंग है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है माउंटेन मेडिसिन इन द हर्ट ऑफ हिमालयस, हिमालय के दिल में माउंटेन मेडिसिन। इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखो ये हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको पता है। ठीक है, रामनाथ कोविंद अभी 2 देशों की विजिट में गए हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की विजिट में जब ये रामनाथ कोविंद जी गए तो उन्होंने 5 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। किस किस फील्ड में किए हैं ये? किस किस फील्ड में किए हैं? देखो, विकलांगता क्षेत्र में, डिसेबिलिटी सेक्टर पहला, दूसरा एजुकेशन में, तीसरा व्यापार निवेश में, चौथा वैज्ञानिक सहयोग में, और 5वां कृषि और उच्च शिक्षा। क्लियर हुआ? डिसेबिलिटी सेक्टर, एजुकेशन, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक कॉपरेशन, एग्रीकल्चर एंड हायर एजुकेशन। ओके, चल ऑस्ट्रेलिया का देख लेते हैं। तो होल्ड करो आप। हाँ, तो देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक, इस तरह पाओगे आप। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन शायद कल पूछा था कि ये वाली स्ट्रेट कौन सी है, जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में, ये पड़ती है पालक स्ट्रेट। ठीक, आपको बताना है कि ये जो गई है यहाँ से, वो स्ट्रेट कौन सी है, एम से स्टार्ट होता है उसका नाम। ठीक, आपको बताना है। चलो इसके बाद पढ़ते हैं। ये भारत, ठीक, आप इस तरफ आओगे, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो कंट्री है वानाताऊ, ठीक, वानाताऊ ने अभी कुछ महीनों पहले एक ऑफ़र दिया था कि वो कुछ डॉलर के बदले अपनी नेशनलिटी देगी कुछ डॉलर के बदले। तो आपको बताना है वो डॉलर की कीमत कितनी है, कितने डॉलर के बदले ये अपनी नेशनलिटी देने के लिए तैयार था वानाताऊ। ओके, चलो ऑस्ट्रेलिया की बात आई। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको 2 नदियाँ याद रखनी है, एक का नाम है मर्रे और एक का नाम है डार्लिंग। ओके, मर्रे डार्लिंग, 2 नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया की। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया था कि ये 2019 में अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक, क्योंकि इनकी हेल्थ की कोई इशू है तो इसलिए उन्होंने बोला था। चलो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जो हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, ये 2 दिन की विजिट में गई हैं। कहाँ पर? लाओस में। ठीक है, तो लाओस में एक इंडिया लाओस ज्वाइंट कमीशन बैठाया जाएगा। ठीक,
उसकी बैठक होगी इंडिया लाउस की, उसकी 9th मीटिंग अटेंड कौन करेंगी? सुषमा स्वराज हमारी, ठीक है। अच्छा लाउस का मैप देख लेते हैं हम। देखो ओके हियर वी गो, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक। अब इस तरफ आओगे बांग्लादेश पड़ गया, म्यांमार पड़ गया, म्यांमार के इस तरफ देख रहे हो ना आप, ये लाओस, ओके। तो भारत से ईस्ट साइड जाओगे तो आप ये लाओस पड़ेगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक। वज्र प्रहार कहाँ पर हुई? जयपुर में। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी, ओके। चल जयपुर में आपको एक महल है आमेर, आमेर का किला, ठीक है। जल महल है, हवा महल है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है जयपुर के बारे में, ठीक। यूएसए आपको पता ही है, ये यूएसए है, ठीक है। ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि उसकी जो नई राजधानी है उसको वो अब जस्टिस सिटी बनाएंगे। भारत की पहली जस्टिस सिटी बनेगी अमरावती, ओके। पहला न्यायमूर्ति शहर बनेगा अमरावती, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक सशक्त महिला योजना लॉन्च की है, सशक्त महिला योजना। आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि यूपी गवर्नमेंट ने भी ऐसे ही कुछ मिलती जुलती योजना लॉन्च की थी, ठीक। तो वैसे ही हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है सशक्त महिला योजना, किस लिए? ताकि वुमेंस को ज़्यादा रोज़गार मिल सकें, ओके। वुमेंस को ज़्यादा रोज़गार मिल सकें इसलिए उन्होंने सशक्त महिला योजना लॉन्च की है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 27th बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक हुई, कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। किसके रिगार्डिंग थी? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। देखो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट ले लो आप, क्लाइमेट चेंज में पॉल्यूशन ले लो आप, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ये सब ना मुद्दे सब इसी से जुड़े हैं। तो मेंस में बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक क्लाइमेट चेंज, ओके। तो 27वीं बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई क्लाइमेट चेंज पर, कहाँ पर? नई दिल्ली में, हमारी राजधानी नई दिल्ली में। अच्छा बेसिक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो आपको जो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ना इसमें, वो सारी बेसिक की कंट्री हैं। ये रेड कलर का कौन सा है? ये है ब्राज़ील, ठीक, ओके। ये रेड कलर कौन सा है? ये है साउथ अफ्रीका। ये रेड कलर कौन सा है? इंडिया। ये कौन है? चाइना। तो चार कंट्री हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक भूधार पोर्टल लॉन्च किया है, भूधार पोर्टल। इसके तहत दो कार्ड बनाए जाएंगे, एक ई भूधार, ठीक, और दूसरा बनाएगा एम भूधार। ई भूधार और एम भूधार दो कार्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा किस लिए बनाए जाएंगे? ताकि जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स मतलब कि जितने भी भूमि अभिलेख हैं, उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के द्वारा ऑथराइज कर दिया जाए। आपको समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। आधार नंबर रहता है, ठीक है। आधार नंबर किस लिए रहता है? वो रहता है कि एक इंसान का एक आधार नंबर, ठीक। वैसे ही एक जमीन का, किसी पर्टिकुलर जमीन का एक आधार नंबर, ऐसा समझ लो आप, ठीक। तो वो है भूधार। कितने डिजिट का रहेगा? अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 11 डिजिट का भूधार नंबर रहेगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा आंध्र प्रदेश की बात आई तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आंध्र प्रदेश एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने सीबीआई को अपने राज्य में घुसने से मना कर दिया है, ठीक है, ये भी याद रखना। ओके आगे बढ़ते हैं। जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि गुरुदास जिले के डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर गलियारे के निर्माण और विकास की मंजूरी के लिए। नहीं है समझ में? फिर से सुनो आप, ठीक है। ये देखो आप, ये यहाँ पर पाकिस्तान लग जाता है, इस तरफ इंडिया आता है, ठीक। तो जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है उन्होंने अप्रूव किया है कि एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाए, करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाए, ठीक। कहाँ से कहाँ तक? डेरा बाबा नानक जो गुरुदासपुर में है
उससे लेके पाकिस्तान की बॉर्डर तक, ठीक है, उससे लेके पाकिस्तान की बॉर्डर तक, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। नंदिता दास ये एक फिल्म मेकर हैं, ठीक, इनको अभी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन अवार्ड दिया गया, जिसको बोलते हैं FIAPF, ठीक, ये अवार्ड दिया गया। कहाँ पर दिया गया? एक फंक्शन हुआ था, अवार्ड सेरेमनी थी, जिसका नाम था 12th एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड सेरेमनी। फिर से सुनो आप, नंदिता दास हैं फिल्म मेकर हैं, इनको FIAPF अवार्ड दिया गया। कहाँ पर दिया गया? 12वीं एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड सेरेमनी हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्बेन, ठीक, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? ब्रिस्बेन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक, यहाँ पे सिटी है ब्रिस्बेन। इसके पास ही एक चीज़ पड़ती है जिसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में 2018 में एक गेम्स हुए थे कुछ, ठीक है, जिसमें इंडिया ने 66 मेडल जीते थे। तो आप बताओ उन गेम्स का नाम क्या है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। WHO ने एक रिपोर्ट निकाली अभी, ठीक, WHO ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें बोला है कि 2016 में जितने मलेरिया केस थे भारत में, मलेरिया के केस थे 2016 में, अगर 2018 से कंपेयर किया जाए, ठीक, तो वो 24% रिड्यूस हो गए, कम हो गए, 24% रिडक्शन आया है 2016 से अगर 2018 की तुलना की जाए। 2 साल में 24% रिड्यूस हुए हैं मलेरिया के केस। ये किसने बोला है? WHO की रिपोर्ट ने। अच्छा, WHO की बात आई तो WHO को देख लेते हैं हम लोग कि फॉर्म कब हुआ था। ये 1948 में हुआ था, ठीक। WHO के चेयरमैन कौन है? टेड्रोस एडनोम, और हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी, आईसीसी ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ। आईसीसी ने पार्टनरशिप की है गूगल के साथ, किस लिए? ताकि जो फैंस हैं, ठीक, जो फैंस हैं वो सेमीफाइनल और फाइनल मैच होने वाला है जो वुमेंस वर्ल्ड टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में, वो उसको और अच्छे से अनुभव कर सकें। समझ में आया आपको? ठीक, देखो वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ का नया नाम हो गया है विंडीज़, ठीक, याद रखना आप, और स्वाजीलैंड का नया नाम हो गया है ई स्वातनी, ठीक। तो विंडीज़ में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसका फाइनल और सेमीफाइनल उसका अनुभव और बेहतर हो सके, इसलिए आईसीसी ने गूगल के साथ एक पार्टनरशिप की है। आगे बढ़ते हैं। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक, माहे, माहे, इसको अवार्ड दिया गया है सिल्वर मेडल जीता है। किस में जीता है? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिस 2018। क्लियर हुआ? मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को सिल्वर मेडल दिया गया है, किसमें? इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन की चिल्ड्रन की एक एजेंसी है यूनिसेफ। मैंने आपसे शायद कल परसों भी पूछा था आपसे, यूनिसेफ, ठीक, यूनिसेफ। तो इसने अभी तक की सबसे छोटी महिला, मतलब सिर्फ ये 14 साल की, उसको गुडविल एम्बेसडर बनाया है, गुडविल एम्बेसडर बनाया है। उनका नाम क्या है? मिली बॉबी ब्राउन, मिली बॉबी ब्राउन। मतलब कि यूनिसेफ की सबसे छोटी, विश्व की सबसे छोटी गुडविल एम्बेसडर बनी है मिली बॉबी ब्राउन, जो सिर्फ 14 साल की है। आगे बढ़ते हैं। सीएसई ने इस बार का इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट जीता है। सीएसई का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसकी करंट चेयरमैन है सुनीता नारायण। जो आप ये इमेज में देख रहे हैं ये हैं सुनीता नारायण। आपको बताना है कि सीएसई
जिसने फाउंड किया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, जिसने फाउंड किया था उसका नाम क्या है? ओके अच्छा, इनको इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने पॉल्यूशन के खिलाफ बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बन रहा था तो इन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, ठीक है, इसलिए इनको इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन हैं गुरुप्रसाद मोहपात्रा, याद रखना आप, ठीक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने USTDA के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि जो एयर ट्रैफिक सर्विस है उनमें और आधुनिकता लाई जा सके। जो एयर ट्रैफिक सर्विस है उनमें और आधुनिकता लाने के लिए AAI ने USTDA के साथ MOU साइन किया है। ओके तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? गुरु प्रसाद मोहपात्रा। अच्छा, USTDA की बात आई तो USTDA का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और रसिया ने एक $500 मिलियन की डील की है, किस लिए? ताकि दो मिसाइल, वो भी कौन सी? फ्रिगेट्स मिसाइल होती है जो चुपके से बार करती, ठीक है, चोरी वाली इन द सेंस कि जो चुपके से बार करती हैं उनको बोलते हैं फ्रिगेट मिसाइल। तो इसको डेवलप करने के लिए दो फ्रिगेट मिसाइल डेवलप करने के लिए गोवा में इंडिया और रशिया ने $500 मिलियन का डील साइन किया है। क्लियर हुआ? इंडिया और रशिया के बीच में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी जो कि झांसी में हुई थी, उसका नाम क्या है बताओ आप? आगे बढ़ते हैं। भारत के एक ऐसे बैट्समैन है जिनका नाम है वसीम जफर। ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? वसीम जाफर हैं, भारत के बल्लेबाज हैं, ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में। रणजी ट्रॉफी 2017 की किसने जीती थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पार्टिसिपेट किया करो आप, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, चाइना की बहुत सारी न्यूज़ आई। चाइना ने एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनमैंड, मतलब कि मानव रहित ट्रांसपोर्ट ड्रोन बनाया है। चाइना ने आर्टिफिशियल मून बनाया है, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, ठीक। और अब चाइना ने विश्व का पहला, दुनिया का पहला अंडरग्राउंड होटल बनाया है। देखो आप इसको, आप ऐसा देखो, जूम करके तब समझ में आएगा। ओके, हियर वी गो। देखो ये ज़मीन है पूरी, एक मिनट मैं इसको स्थिर कर लूँ पहले। ओके, हियर वी गो। ये पूरा प्लेन है, ठीक, इसको खोदा और यहाँ खोद के और फिर ये होटल बनाया, ये वाला, समझ रहे हो आप? लेवल ये है और यहाँ पे होटल बनाया, सो दैट इज़ अंडरग्राउंड होटल, ठीक। तो चाइना ने पहला अंडरग्राउंड होटल बनाया। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कौन है हमारे? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक। इन्होंने एक आर्टिफिशियल रेन के लिए अप्रूवल दे दिया है। इन्होंने बोला कि आप आर्टिफिशियल रेन करवाओ दिल्ली में, ताकि जो स्मोक की कंडीशन बन रही है, जो धुआं, समझ लो ना अब, स्मोक मतलब धुंध की कंडीशन बन रही है, उसको अलग किया जा सके, ठीक है। अगर बारिश होगी तो धुंध ही होगी। तो इन्होंने आर्टिफिशियल रेन के लिए अप्रूव कर दिया है। आर्टिफिशियल रेन किसके थ्रू, कौन सी टेक्नोलॉजी? क्लाउड सीडिंग होती क्या है, ठीक है? देखो आप, क्लाउड सीडिंग क्या होती है? सीडिंग जानते हो आप, ठीक, बीज देना, ठीक। तो आर्टिफिशियल क्लाउड्स बनाए जाएंगे, क्लाउड्स डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू आर्टिफिशियल क्लाउड बनेंगे और ये जैसे डेंस होते जाएंगे तो फिर बारिश होगी, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये जो धुंध है वो हट जाएगी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में ही सबसे पहले BS4 से डायरेक्ट हम जंप कर रहे हैं BS6 फ्यूल पे, ये भी याद रखना है आपको, ओके। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को जिसकी हेड हैं ऑड्री अजोले, इन्होंने वर्ल्ड जीविस कांग्रेस, मतलब कि विश्व यहूदी कांग्रेस के साथ
एक हॉलोकॉस्ट एजुकेशन वेबसाइट लॉन्च की है। हॉलोकॉस्ट, हॉलोकॉस्ट मतलब कि जितने भी प्रताड़नाएं, जितने भी क्या बोलना चाहिए उनको, जितने भी अत्याचार यहूदियों पे हुए हैं, तो उनके उनके बारे में शिक्षित करने के लिए, अवेयर करने के लिए एक हॉलोकॉस्ट एजुकेशन वेबसाइट लॉन्च किया। किसने? यूनेस्को और वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस ने। ओके, चलो तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। टेक केयर।